है निर्भर। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, नागप्पा का शंका। एक दिन चार चोर पंडित के घर आए थे, खिले टोकने की आवाज सुनकर पंडिताइन की आंख खुल गई। नागप्पा को बताया चोगर में चोर आया है। नागप्पा ने एक उपाय लिया, चोर के मैं भी एक चोर हूँ, यहाँ कुछ नहीं मिलते है। जमींदार के हवेली जाते हैं। पहले नागप्पा हवेली पर गए, घूमता रहते थे। कुछ समय बाद इस नागप्पा ने तैले में से शंख निकाला और बजाया। जमीन शंख की आवाज सुनकर जमींदार आया और चोर को पकड़ लिया। नागप्पा के बुद्धि कौशल्य से जमींदार ने उसे धन दिया। धन्यवाद धन्यवाद।